गाजीपुर से दिनेश कुमार, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर की रिपोर्ट। हसराजपुर में रामलीला और व्यापार मंडल के पदाधिकारी के द्वारा अयोध्या भूमि पूजा के उपलक्ष्य में मनाया गया उत्साह। पाँच सौ साल एवं सात पीढ़ियों के संघर्ष के बाद अयोध्या श्री राम नगरी में बन रहे श्री राम मंदिर का भूमि पूजन आज दिनांक 5 अगस्त 2020 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं काशी के सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के कर कमलों के द्वारा हुआ। अयोध्या नगरी में भूमि पूजा उसी के उपलक्ष्य में हंसराजपुर में उत्साह के साथ 31 किलो लड्डू लोगों में वितरण कर और 251 दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया गया, जिसमें शामिल रहे व्यापार मंडल के अध्यक्ष पप्पू गुप्ता, प्रबंधक प्रकाश गुप्ता, उमेश चंद्र गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता उर्फ मुन्ना, ओम प्रकाश सिंह उर्फ गुड्डू, अनिल गुप्ता, राजेश कुमार सिंह, रामलीला अध्यक्ष डायरेक्टर हरदेव कुमार भारद्वाज, हनुमान यादव, अजय सिंह, विजय सिंह, पवन सिंह आदि लोग शामिल रहे। चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर दिनेश कुमार गाजीपुर से। हम आज चलते चलते पहुँचे हंसराजपुर के हंसराजपुर मार्केट में, जहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और जो कार्यक्रम हाँ व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है। आइए हम यहाँ के अधिकारियों से बातचीत करते हैं और जानते हैं इसका राज क्या, ये जो कार्यक्रम किया गया किस उपलक्ष्य में किया गया, क्यों किया गया है। हम आपको अब इस बारे में बता देंगे और बता देना चाहेंगे कि आज दिनांक 5/8/2020 को अयोध्या नगरी में श्री रामचंद्र जी की जो अयोध्या नगरी है वहाँ पर श्री रामचंद्र जी का राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है। वो है हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के, दोनों लोग आपस में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम किया और इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। तो इसी के ठीक सेम यहाँ पर हंसराजपुर मार्केट में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के द्वारा कार्यक्रम किया गया। आइए हमारे साथ में और मिलवाते हैं उनसे और उन्हीं के जुबानी से जानते हैं इसका राज क्या है, उनका राज। इस तरह से दीपक जला के खुशी मना रहे हैं, मिठाई बांट के खुशी मना रहे हैं, लोगों से एक दूसरे से मिलजुल कर खुशी मना रहे हैं, क्या इसका राज। आइए मेरे साथ। आपका सब नाम सर जी, क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं, व्यापार है जी। ये जो हंसराजपुर मार्केट में शिव मंदिर पे जो दीपक जला के या फिर मिठाई बांट के आप लोग जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, किसके उपलक्ष्य में किया गया? 500 वर्षों और सात चुनियों के बाद यह भारत को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम लोग जो है आज राम जन्म मंदिर का जो है निर्माण हो रहा है और उस पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आदित्य योगी नाथ जी के प्रयास से संभव हो पाया है। उसी खुशी में हम लोग उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधीन में आज हम लोग कार्यक्रम करा रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत 31 किलो लड्डू बांटा जाएगा और 251 दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम में कराया जाएगा। इसमें पूरे बाजार के सभी व्यापारीगण सम्मिलित हैं और इस कार्यक्रम को हम लोग जो है पूर्ण मूर्त रूप दे रहे हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से, हमारे अल्पायु एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से, आप पूरे देशवासियों को किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं राम मंदिर के उद्घाटन के ऊपर? देखिए, बहुत सौभाग्य की बात है कि इसमें भारत ही नहीं पूरा विश्व जो है आज जो है खुशी मना रहा है, दिवाली मना रहा है। शायद दिवाली के दिन भी इतने पटाखे और इतने दीप नहीं जो जलेंगे जितने आज जल रहे हैं। यह हिंदुओं के लिए क्या, हर एक धर्म के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। इस खुशी में जो है पूरा देश जो है आज दिवाली मनाने के कार्यक्रम में है। वही कार्यक्रम आज हम लोग भी अपने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, छोटे सा बाजार है, इसमें हम लोग भी मनाएंगे। आज के डेट में पूरे विश्व में ये जो कोरोना की महामारी चल रही है, ठीक है, तो कोरोना की महामारी चल रही है और तो इसके विषय में आपका क्या विचार है, किस प्रकार से लोगों का संदेश देना चाहेंगे, वो किस प्रकार से रहें ताकि इस बीमारी से बचें, आप बताएं। कोरोना की जो स्थिति है, कोरोना में जो है बच के रहना है, एक दूसरे से दूरी बना के रहना चाहिए, मास्क का प्रयोग करना चाहिए। पूरा मेरा बाजार जो है इस चीज़ का पालन कर रहा है और बाजार वाले भी जो है 2 से 3 ग्राहकों के अलावा और सबको रोक दे रहे हैं कि भाई 3 ग्राहक जब जाए तभी दूसरे ग्राहक आए, और मास्क लगा करके ग्राहक भी आ रहे हैं और दुकानों पर सैनिटाइजर का प्रयोग हो रहा है। इस तरह सब लोग जो है अपने आप को भी बचा रहे हैं और पूरे लोगों को भी बचाने का कार्य कर रहे हैं। हमारे चैनल को आपको टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा यहाँ के व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का कहना है कि 500 वर्षों बाद पूरे विश्व में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से और उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों के द्वारा आज अयोध्या में राम मंदिर का आयोजन किया गया है। बड़े ही सौभाग्य की बात है।
कि आज इस तरह का हिंदुओं में खुशी और उत्साह का माहौल बना हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक हैं, सनातन धर्म की ध्वजवाहक के रूप में हम सब उन्हें पूजने का काम करते हैं। ऐसे अपने आराध्य भगवान श्री राम का मंदिर 500 वर्षों से जो विवादित था अयोध्या में, आज 500 वर्षों के इंतजार के बाद वो सुख भरी आई कि आज यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के कर कमलों द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और आज इस मंदिर निर्माण के भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए शिला पत्र उन्होंने रखा, शिला पूजन किया। उसके उपलक्ष्य में पूरे सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू आह्लादित हैं, उत्साहित हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज इस रामलीला मंच के माध्यम से मनाया। श्री रामचंद्र जी ने समाज के लिए कौन सा ऐसा काम कर दिया था जिसके लिए आज भी 500 वर्षों के बाद भी उन्हें लोग तहे दिल से याद कर रहे हैं, ऐसा क्यों? भगवान राम मर्यादा के प्रतीक थे। पिता की आज्ञा अनुसार जिस व्यक्ति का राज तिलक हो रहा हो और राज तिलक के तत्काल जैसे उनके कानों में आवाज पहुंची कि नहीं अब तो हमें जो है वनवास है, जरा भी हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। उसी भाव से जिस भाव से राज तिलक की तैयारी थी उसी भाव से वनवास जाने का जो आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया, राम के जीवन में आदर्श ही आदर्श हम सबको मिला। और राम एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको 500 वर्ष नहीं, जब तक ये धराधाम रहेगी उनकी संस्कृति उनके आचरण पे चलने का काम हम सब करते रहेंगे और पूरे विश्व को राम की संस्कृति को चलना होगा, ये हम सबका मानना। आइए इसी कड़ी में अगले व्यक्ति से बातचीत करते हैं। पदाधिकारी से शब्द से संबोधित किया गया था, किस कारण? एक सबसे एक ऐसा जब उनका वापस लौटने के बाद जब वनवास खत्म हुआ था, जब उनका पुनः राज्याभिषेक हुआ तो उसमें उन्होंने कहा था केवट से, केवट को बुलाया उन्होंने आदर सहित, साथ ही साथ शिवरी के साथ उनका जो आचरण रहा है, जितने भी आचरण उनके रहे हैं वो सर्वमान्य है और सब लोगों पे स्थापित कर रहे योग्य। इसीलिए शिवरी एक दलित महिला थी जो कि भगवान का गुणगान करती रहती थी और उनकी इच्छा रहती थी कि हम भगवान से मिले और भगवान स्वरूप में ही उन्होंने उनको दर्शन दिया। इस तरह से फिर मैं अगले कड़ी में आपको मिलवाएंगे ऐसे ही समाज सेवी से। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर दिनेश कुमार गाजीपुर से। I'm sorry.